कहीं जिसे गए कम पढ़े लिखे हैं वहाँ बैठने में आप अपने आप को महसूस करते हैं। पढ़ाई का कोई पढ़ाई नहीं पाता, जब काम ही नहीं हो पाता तो पढ़ाएगा क्या। इतना ऐसे ही जो आठवां कोई दसवां बस यही कोई डिग्री हो नहीं ले पाता है। जानकारी के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और इसी दिशा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपके द्वार पे आए और हमारा ये उद्देश्य है कि जन जन तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। कोई भी देश के किसी भी कोने में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो शिक्षित ना हो या शिक्षा का प्रचार प्रसार उस तक ना पहुंच पाया। यही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो हर घर जाकर शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है। कहने का मतलब घर घर इग्नू, जन जन इग्नू। अभी भारत सरकार ने एक योजना लागू की है जिसमें जो हमारे बुनकर समुदाय के लोग हैं उनको निशुल्क हम जो स्नातक उपाधि प्रारंभिक कार्यक्रम है हमारा बीपीपी यानी बैचलर्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम, इसमें मुफ्त उनका नामांकन कराएंगे। ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसका कारण क्या है कि हमारे जो भी बुनकर भाई जिनके पास कोई भी शिक्षा नहीं है, पूर्व शिक्षा नहीं है, जो कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, मगर उच्च शिक्षा पाने की लालसा रखते हैं, तो वो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी इस लालसा को पूरा कर सकते हैं। कोई भी बुनकर भाई जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है इस कार्यक्रम में अपना एडमिशन करा सकता है। बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जिसमें शैक्षणिक योग्यता माना जाता है कि आप कितना पढ़े हैं। बैंक लोन के लिए भी शैक्षणिक योग्यता मांगती है कि नहीं। तो अगर आप स्नातक की डिग्री लिए हैं तो अगर आज आपको 50,000 के लोन के लिए योग्य हैं तो स्नातक की डिग्री मिलने के बाद आप मे बी 1,00,000 रुपये के लोन के लिए योग्य हो जाएंगे। या सरकार की अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें ये लिखा रहता है शैक्षणिक योग्यता, तो तमाम तरह का लाभ आपको है। बैचलर्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम में अगर आप नामांकन करते हैं तो आपकी कक्षाएं आपके क्लस्टर में संचालित होंगी, वहां पर रहकर आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोग इच्छा जाहिर करेंगे कि हमें कंप्यूटर का ज्ञान भी अर्जित करना है, इंटरनेट के बारे में भी जानकारी करनी है, तो जो कक्षाएं हम संचालित करेंगे आपके क्लस्टर में वहां पर इसकी सुविधा भी आपको मुहैया करेंगे। तो बस आप लोगों के हाँ कहने की देर है। जो बुनकर हमारा पढ़ नहीं पा रहा है आर्थिक कमजोरी के कारण, उसकी जो दिहाड़ी है, जो उसकी मजदूरी है, दिन भर में मात्र 100 या 150 रुपये है, इसी कारण उसकी पढ़ाई में भी थोड़ा सा वो पीछे है। तो ये जो इग्नू का प्रोग्राम है फ्री में घर घर पहुंच के शिक्षा देने का, इसमें हमारा बुनकर जागरूक होगा, पढ़ेगा और नई टेक्नोलॉजी को अपनी बुनकरी में इस्तेमाल करेगा, जिससे कि उसकी दैनिक आय में भी बढ़ोतरी होगी और ये हमारा बहुत ही प्राचीन जो कला है हमारे प्रदेश की या देश की, ये भी संरक्षित रहेगी। ये जो है अगर इसमें सहायता गवर्नमेंट दे रही है तो इससे ये है कि आगे अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, जैसे 8वां करा लिए, 10वां करा लिए या 6ठा करा लिए, तो अगर इसमें जो है गुंजाइश नहीं है तो आगे डिग्री करवा सकता है। इसे लगभग 50% तो फ़ायदा हो ही सकता है, क्योंकि जो अनएजुकेटेड फैमिली वाले हैं मतलब अपने बच्चों को इससे आगे तो बढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जिससे वो अपना खुद का निजी धंधा करके और व्यापार बढ़ा सकते हैं। इग्नू ने जो बीपीपी प्रोग्राम शुरू किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय कदम है इग्नू के द्वारा जो उठाया गया है। इसके माध्यम से निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ साक्षर तो हैं लेकिन वो स्नातक नहीं है, उच्च शिक्षा से बुनकर महरूम हैं। तो कहीं ना कहीं इग्नू के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें उच्च शिक्षा की डिग्री मिलेगी और हुनर तो है ही उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं डिग्री के अभाव में वो राष्ट्रीय फलक पर उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाती है। तो हमें उम्मीद है कि स्नातक में प्रवेश के बाद और डिग्री मिलने के बाद
ये जो हमारी बुनकरों की जो प्रतिभा है, निश्चित रूप से उसको बड़े पैमाने पर मौका भी मिलेगा। अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं और उसको पास कर लेते हैं तो आपका स्नातक स्तर के कार्यक्रमों में एडमिशन हो जाएगा, और अगर आप स्नातक स्तर के कार्यक्रमों को पूर्ण कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। ये निःशुल्क भारत सरकार करा रही है।